दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद से बढ़े रसोइयों गैस के जो दाम हैं वो अब आम आदमी की कमर तोड़ दी है उनसे, और केंद्र सरकार ने चुनाव के नतीजों को तुरंत बाद ही रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी की थी। विपक्ष इस बढ़ोतरी, इस महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी हुई है। देहरादून में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर सरकार से कुछ सवाल पूछे और अच्छे दिन कहां है का जिक्र किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने गैस सिलेंडर की जगह पर लकड़ी से जलने वाले चूल्हे का प्रयोग भी किया और अपना रोष जताया। वादा किया था कि बहुत जल्द मैं अच्छे दिन लेकर के आऊंगा। 2014 के चुनाव में अच्छे दिनों की बात करने वाले मोदी जी ने आज इतने बुरे दिन ला दिए पूरे देश के अंदर। चाहे हमारा युवा हो उसको नौकरी नहीं मिलती, चाहे किसान हो उसको मुआवजा नहीं मिलता, चाहे हमारी महिलाएं हो उनको सुरक्षा नहीं मिलती, और आज महंगाई का तो वो आलम है कि प्रत्येक घर में आज सबकी आंखों में आंसू है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद गैस के दाम में 150 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार गरीब व्यक्ति पर लगातार प्रहार करने का काम कर रही है। नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, तो ये तमाम विषय हैं जिन विषयों को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो है आंदोलन कर रही है, और ये आंदोलन लगातार जारी है।